बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कर लो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इस वीडियो में एक न्यू ब्लॉग्स की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। रोज़ एंड डेफोडेल्स ब्लॉग के बाद ग्रीनिनियम और आयरस ब्लॉग की हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। और आजकल जो काम चल रहे हैं वो रोज़ ब्लॉक और डेफोडेल्स ब्लॉक में काम चल रहे हैं ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद के। फिर इसके बाद ग्रीनिनियम और आयरस ब्लॉक की बारी है। ये ग्रीनिनियम ब्लॉक जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीनिनियम ब्लॉक का एरिया है। इस वीडियो का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूं कि यहाँ पे कितना काम हुआ है और कैसे काम हुआ है। रोज़ ब्लॉक्स और डेफोडिल्स ब्लॉक की वीडियोस आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो काम की हालतें हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे कोई ऐसे काम नज़र नहीं आ रहे हैं जो मशीनरी ने काम की हो, यहाँ पे स्ट्रीट या लेवलिंग का काम हुआ हुआ हो, ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हैं ताज रेजिडेंशियल रावलपिंडी। ये वो सामने हेड ऑफिस नज़र आ रहे हैं ताज रेजिडेंशिया वालों का, जो विजिटर ऑफिस है। और यहाँ लेफ्ट साइड पे जस्मीन ब्लॉक का एरिया आ रहे हैं। बहरहाल इस एरिया में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और जो ताज रेजिडेंशिया वालों का जो तरीक़ेकार है काम करने का, वो स्टेप बाय स्टेप है। जिस तरह पहले लीली और ट्यूलिप ब्लॉक, फिर इसके बाद अर्चर्ड और गार्डेनिया ब्लॉक, अब इसके बाद जो रोज़ा और डेफोडेल्स ब्लॉक में काम चल रहे हैं, फिर इसके बाद जो ग्रीनिनियम आयरस और अदर दूसरे ब्लॉक्स वगैरह जो हैं स्टेप बाय स्टेप आएंगे, लास्ट में जाएंगे ये लोटस ब्लॉक का, ब्लू बेल का, जो दूसरे ब्लॉक्स वगैरह हैं लास्ट में जाएंगे, वहाँ पे कोई काम वगैरह होगा। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो लोकेशन है ताज रेजिडेंशियल का एक बेहतरीन लोकेशन है। और हमने कई दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स या दूसरे हजरात जो यहाँ पे करीब से देखते हैं उसे काफ़ी बातें की, काफ़ी मालूमात ली है हमने। ये इन फ्यूचर सोने की चिड़िया हैं वाकई, क्योंकि हमने पूरे एरिया को स्टडी की, लोकेशन देखे। बहरहाल काम की वजह से थोड़ा सा ये मार्क आ रही है ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। और सरदार ग्रुप वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ी बहुत काम में तेज़ी लेके आए या डेवलपमेंट दिखाएं, ताकि कुछ ना कुछ इसकी प्राइसेस जो हैं ये ऊपर आना शुरू हो जाए, मार्केट अपने आप ऊपर आ जाएगी अगर यहाँ पे ये डेवलपमेंट नज़र आ गया। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।